आज की कहानी कुछ यूं है, हम मौजूद हैं मकबरा जहांगीर के मेन गेट के बाहर। भी अंदर चलते हैं और आपको इसकी सैर करवाते हैं। खुद भी मैं पहली दफ़ा आया हूं, पहली दफ़ा नहीं तकरीबन तीसरी चौथी बार आया हूं। तो अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि पहले जब आया था तो इसकी कंस्ट्रक्शन का काम जारी था, तो अब देखते हैं वो मुकम्मल हो गया और अब इसकी हालत कैसी है या अंदर से कैसा नक्शा पेश करता है। इसकी छत पर भी जाएँगे, उसकी कब्र भी जाएँगे और उसका जो जितना भी अहाता है, पार्क है, जो सारा विज़िट करवाएँगे आप। मकबरा जहांगीर के मेन दरवाजे से एंटर होने के बाद उसके जो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आप ये ऊपर चढ़ते हैं तो ये सामने आपको ये सारे अकबरी सराय भी इसको कहते हैं, ये काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। तो अभी इसके आगे चलते हैं और इन सराय जो जितने भी सराय हैं उनकी हालत कैसी है वो भी दिखाते हैं। पहले तीन बार आया था तो इतना ज़्यादा इसको विज़िट नहीं किया था, इतना ज़्यादा इंजॉय नहीं किया था। आज मैं सोच रहा हूँ मैं इसको कम्प्लीटली इंजॉय भी करूँ और देखूँ भी और साथ कैप्चर भी करूँ, क्योंकि कैप्चर इसलिए करूँ कि कैप्चर करने के बाद आप भी इसको देख पाएंगे। ये जाता है कि जब भी आप किसी जगह पे जाएं उसको एंजॉय करने के लिए, विज़िट करने के लिए या कैप्चर करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो उसके बारे में आपको जान लेना ज़रूरी है। उसके बारे में आप रिसर्च करें, जानें, उसकी तारीख पढ़ें। लेकिन आज मैं वैसे ही मुँह उठा के आ गया हूँ, इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि जो इसके बारे में हिस्ट्री ना बता सकूँ लेकिन ये दिखा ज़रूर सकूँ कि आज इसका जो मंज़र है वो कैसा है। पीछे शाही मस्जिद है जो मकबरा जहांगीर में मौजूद है और इसके बिल्कुल पीछे आसिफ जाह का मकबरा है जो नूर जहां के भाई थे, लेकिन बाद में इनकी अनबन हो गई थी, क्योंकि ये जो बादशाहत होती है ये किसी की भी सगी नहीं होती, यानी कि जो इक्तदार होता है किसी का भी सगा नहीं होता, सगे भाइयों भाइयों को लड़वा देता है। तो जो आसिफ जाह थे वो शाहजहाँ को बादशाह बनाना चाहते थे, लेकिन जो नूर जहाँ थी वो किसी और बात पर बजित थी, वो किसी और को बनवाना चाहती थी, लेकिन बाद में जो शाहजहाँ थे वो बादशाह बने। और मेरे सामने बिल्कुल जो मकबरा जहांगीर है, ये जगह हम विज़िट कर चुके हैं और अब इस तरफ खबर है जहांगीर बादशाह की, उस पर चलते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब मैं लास्ट टाइम आया था यहाँ पर, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जारी है। वैसे अगर कोई मुझसे मशवरा लेना तो मैं तो यही कहूँगा कि इसको दोबारा तमीज करने का फ़ायदा क्या है, इससे अच्छा है लोग रोटी खाने से मर रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, सैलाब दुकान है और काफ़ी लोग एक टाइम की रोटी दो टाइम की मैसर नहीं उनको, तो इस पर पैसा अरबों रुपये लगाने के बजाय उनको खाना पहुँचाया जाए तो ये बेहतर होगा। मेरे हिसाब से तो ये बेहतर होगा, मैं मशवरा यही दूँगा, या अगर मेरे इख्तियार नहीं होता तो मैं यही करता। तो अभी चलते हैं, जो है उनकी कब्र थी, कब्र पर फातह करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आप। डर लग रहा है और अभी नीचे जाना पड़ेगा, काफ़ी हवा भी है ऊपर तो इससे पहले कि हमारी टांगे काम जाएं हमें नीचे जाना पड़ेगा।
ऐसा मुगल बादशाहों की जो दास्तान है वो आप लोगों ने सबने सुनी होगी, और बरेसगीर में इनका बड़ा नाम था। 300 साल तक इन्होंने बरेसगीर पर हुकूमत की, बड़े जुल्म सितम भी किए, बड़े अयाज पसंद लोग थे। लेकिन आखिर में क्या हुआ, जफर बादशाह के बारे में आप जानते हैं, बहादुर शाह जफर, और वो अपने आखिरी शेर में ये लिखते हैं कि कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए दो गज जमी भी ना मिली कुवे यार में। तो आज की कहानी यही थी, ये साल का आखिरी दिन और आखिरी कहानी, इंशाल्लाह आपको ज़रूर याद रहेगी और आपको पसंद भी आएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान राय अब्दुल्ला को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।